नहर की सुविधा न होने के कारण हजारों एकड़ जमीन पड़ी असिंचित। उत्तर प्रदेश प्रयागराज मांडा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत केरुआ डी ग्राम धनी में जयप्रकाश यादव व ओम प्रकाश और मेवालाल से जानकारी प्राप्त हुआ कि हम किसान लोग लगभग 50 वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं। सिंचाई के लिए नहर की सुविधा ना होने के कारण हम किसान लोग कोई फसल उपजा नहीं पा रहे हैं। इस बात को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा सिंह व कोराव विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजमणि कौल और 1 साल पहले लगभग मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत करके अवगत कराया गया, लेकिन आज तक हमारे यहाँ सिंचाई के लिए नहर व पानी की व्यवस्था नहीं की गई। इस वजह से हम किसान लोग अच्छी फसल उपजा नहीं पा रहे हैं, जिससे जमींदार होते हुए भी मजदूरी करने पर मजबूर और गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम किसान चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ से लगभग 400 मीटर दूरी पर रानी बारी राजबहा से माइनर की व्यवस्था हो जाए तो हमारे धरी गांव की जमीन सिंचित हो जाएगी और हम किसान अच्छी फसल उगा सकते हैं। और वहां उपस्थित हरिश्चंद्र मौर्या, तुलसीराम चमार, राजकुमार, फूलचंद यादव, पन्नालाल सरोज और अन्य बहुत किसान उपस्थित रहे। सत्यात्रा न्यूज़ से मिर्जापुर जिला ब्यूरो चीफ भूप नारायण मौर्य की रिपोर्ट। पर्चे डॉक्टर जेपी यादव, डॉक्टर जेपी यादव, AMRD कॉन्वेंट स्कूल पर काफी लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या है आप लोगों को? हमारे यहाँ बैठक चल रही है। किस प्रकार बैठक? सिंचाई के लेकर, नहर के लिए, मतलब नहर के लिए आप लोग बैठक में क्या जो है कि हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन एकदम का कहते हैं फसल सब जी, अच्छा, जी, जी। जमीन तो काफी किसानों के पास है, कई हजार बीघा है, लेकिन यहाँ पानी न होने की वजह से सब लोग जो है कि बगैर फसल पैदा किए रह जा रहे हैं। मतलब क्या है कि वही अपने परिवार को जिलाने खिलाने में परेशान है। जी जी, तो इस बात को लेकर क्या आप किसी सक्षम अधिकारी उच्च अधिकारी? जी जी, मैंने अध्यक्ष जिला पंचायत को दिया हूँ, मैंने विधायक को दिया है, मैंने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी शिकायत किया हूँ, और लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, किस जिला पंचायत को दिए थे? अध्यक्ष रेखा सिंह, जिला पंचायत प्रयागराज। और विधायक को? विधायक राजमणि, राजमणि कौल, विधानसभा कोराव। अच्छा, इन सबको दिए आप, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई दिए आप? मैं ओपी यादव। ओपी यादव, ये भैया बता रहे हैं कि 50 सालों से यहाँ पानी की सुविधा ऐसी नहीं है, फसल सभी सूख जा रही है, सब लोग गरीबी के मार में आ जा रहे हैं, किसी के पास खाने की के लिए फसल पैदा नहीं हो रही, क्या सही बात है? जी बिल्कुल, जैसे अभी भाई साहब हमको बताए हैं, आप सबसे अवगत कराए हुए हैं कि यहाँ आज 50 साल से लोग बसे हुए हैं, लेकिन यहाँ किसी भी जितनी सरकारें आई पर कोई ध्यान नहीं दिया। पानी की यहाँ इतनी बड़ी समस्या है कि पीने के लिए तरह तरह हो जाती है, आदमी तो आदमी भी समस्या है और पीने की भी काफी समस्या है यहाँ पर। बाबूजी हजारों मेवालाल, ये भैया बता रहे हैं कि 500 साल से आप लोग यहाँ बसे हैं, पानी की सुविधा आपको नहीं है, कई बार कई नेता मंत्रियों से अधिकारियों से मांग किया गया लेकिन आज तक दिया नहीं गया, नहीं। सही बात है? हाँ सही बात है सर। पूछो भैया, जोर से पूछ रहे। हाँ, इसे भैया ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 500 साल से लोग बसी बस्ती है, यहाँ नहर की व्यवस्था नहीं हुई और कई बार नेता मंत्रियों को ऐसा अवगत कराया गया और कोई सुविधा आप लोगों को नहीं मिला, क्या सही बात है? अरे पानी आप लोगों को मिलना चाहिए, ये आप जो है कि चाह रहे हैं कि यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए तो हमारे यहाँ के खाने पीने के लिए बने अपने बीवी बच्चे परिवार को हम पाल सकते हैं।